अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल मज़हर हर्बलिस्ट में खुश आमदीद। काली मिर्च में है इस आम से मसले का बेहतरीन इलाज। काली मिर्च को तमाम मिसालाजात की मलका कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल जिस्मानी सेहत पर हैरत अंगेज असरात मुरतब करता है। काली मिर्च कहने को तो सिर्फ एक मिर्च है, लेकिन ये नन्ही सी गेंद अपने अंदर सेहतमंद जिस्म के लिए बेपनाह अफादियत रखती है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट की कसीर मकदार पाई जाती है और साथ ही जिस्म की अंदरूनी सोजिश दूर करने वाले खवास भी मौजूद होते हैं। इसका रोज़ इस्तेमाल जिस्म को कई दायमी बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। कोई भी पकवान ऐसा नहीं जिसका जायका खुशगवार बनाने के लिए काली मिर्च को इस्तेमाल ना किया जाता हो। सुर्ख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल आम तौर पर मैदे के मरीजों के लिए सेहतमंद तस्वर नहीं किया जाता। यही वजह है अक्सर मालिज ऐसे मरीजों को काली मिर्च के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। खांसी और बलगम से निजात। खांसी और बलगम से निजात पाने के लिए काली मिर्च से बेहतरीन कोई इलाज नहीं। अगर आपको खांसी और बलगम का एक साथ सामना है तो काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित हो सकता है। खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए एक चम्मच शहद को नीम गर्म करके उसके ऊपर चुटकी भर काली मिर्च छिड़कें और खा लें। काली मिर्च के इस्तेमाल से बलगम खारिज होना शुरू हो जाएगा और शहद के मुफीद तिब्बी असरात से खांसी की शिदत कम होगी। शहद और काली मिर्च को नीम गर्म पानी में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जाता है।